Assalamualaikum, dear brothers and sisters. Welcome back in our team, La Tutor. Myself, Ahmed Sumro. I hope कि आप सब भी खैर से ही होंगे. So today we discuss about transfer of property Act 1882. तो आज हम इस lecture में vested interest के ऊपर discuss करेंगे. तो basically जो vested interest है वो हम अपनी ऑलरेडी जो भी वीडियोस थी उसमें लिटिल बिट डिस्कस कर चुके हैं कि वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है. तो आज हम इन डिटेल्ड वेस्टेड इंटरेस्ट को समझते हैं. जैसे कि हमने प्रीवियस डिस्कस किया था कि ट्रांसफरर जब अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफरी को ट्रांसफर करता है तो उसके साथ जो भी इंटरेस्ट होते हैं वो भी ट्रांसफर हो जाते हैं. कौन से वो इंटरेस्ट होते हैं? वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होते हैं, जिसे हम वेस्टेड इंटरेस्ट भी कहते हैं. तो सिंपली वेस्टेड इंटरेस्ट मींस एब्सोल्यूट ट्रांसफर. एब्सोल्यूट ट्रांसफर, तो एब्सोल्यूट ट्रांसफर कैसे होती है वो हम इन लिटिल बिट डिस्कस कर चुके हैं. आज हम इन डिटेल जाएंगे. सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वहां से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है मिस्टर ए की. फॉर एग्जांपल मिस्टर ए या मिस्टर एसन की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है. तो मिस्टर एसन ये प्रॉपर्टी परचेस करता है तो मिस्टर एसन के यहाँ इंटरेस्ट क्रिएट होता है. क्या होता है? इंटरेस्ट क्रिएट होता है, इंटरेस्ट क्रिएट होता है. इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 19, जो इंटरेस्ट है वो दो एग्जाम के होते हैं, ठीक है. एक आपका इंटरेस्ट होता है वेस्टेड इंटरेस्ट, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और दूसरा आपका होता है कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट. ये सेक्शन नंबर 21 में डिफाइन किया गया है और ये सेक्शन नंबर 19 जो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो आज हमारी जो यह वीडियो है सिर्फ और सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट के ऊपर है. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो अगर हम जनरल क्लासिफिकेशन करें वेस्टेड इंटरेस्ट की, तो दो क्लासिफिकेशन है. जनरल क्लासिफिकेशन ये आपको एक्ट में नहीं मिलेगी, एक जनरल क्लासिफिकेशन है. जैसे कि देखें, एक होता है वेस्टेड इन पजेशन, दूसरा होता है वेस्टेड इन इंटरेस्ट. ये दोनों इंटरेस्ट जो हैं, ये दोनों वेस्टेड हैं, बट वेस्टेड को क्लासिफिकेशन की गई है कि एक वेस्टेड इन पजेशन होता है, दूसरा वेस्टेड इन इंटरेस्ट होता है. कैसे होता है, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. ये सेम प्रॉपर्टी एक है किसकी, मिस्टर एसन की. ये प्रॉपर्टी मिस्टर एसन साहब की प्रॉपर्टी है. मिस्टर एसन इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है मिस्टर बिलाल को, इस फॉर लाइफ. और एट द सेम टाइम मिस्टर एसन ये भी क्लेरिफाई कर देता है एग्रीमेंट में कि बिलाल साहब के मरने के बाद ये प्रॉपर्टी अली के पास जाएगी फॉर लाइफ. अली के पास ये फिर जो है नियाज साहब को जाएगी. तो ये कंडीशन रख देता है कि भाई एसन की प्रॉपर्टी है, एसन के बाद ये प्रॉपर्टी जो है इसको ट्रांसफर हो रही है, इसके लाइफ टाइम के बाद ये प्रॉपर्टी अली के पास जाएगी, अली की लाइफ टाइम के बाद ये जो प्रॉपर्टी है नियाज साहब को जाएगी. तो इस एग्जांपल में ये जो तीन शख्स हैं, इन लोगों के पास वेस्टेड इंटरेस्ट है. क्या है? इन लोगों के पास वेस्टेड इंटरेस्ट अवेलेबल है, ये वाला इंटरेस्ट अवेलेबल है. अब इस इंटरेस्ट को हम करते हैं क्लासिफाई,
या क्लासिफिकेशन, भाई एसन साहब ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की मिस्टर बिलाल साहब को, तो मिस्टर बिलाल साहब के पास क्या हुआ, जो वेस्टेड इंटरेस्ट है इन पजेशन हुआ। मींस के एसन साहब ने बिलाल साहब को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, इंटाइटलमेंट दे दी, तो मिस्टर बिलाल के पास वेस्टेड इंटरेस्ट है। ठीक है, कौन सा वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड इन पोजीशन में हो, क्योंकि जो प्रॉपर्टी एसन ने बिलाल साहब को ट्रांसफर की हुई है, तो उस वक्त जो प्रॉपर्टी की पोजीशन है फॉर लाइफ वो बिलाल साहब के पास है। बिलाल साहब उस प्रॉपर्टी की पोजीशन को इंजॉय कर रहा है, और रिमेनिंग जो दो हैं अली और नियाज, इनको अभी प्रॉपर्टी मिली नहीं है, इनके पास अभी राइट ऑफ इंजॉयमेंट नहीं है, क्योंकि जब बिलाल साहब की डेथ होगी उसके बाद अली को मिलेगा, अली की डेथ होगी उसके बाद नियाज को मिलेगा। तो इधर अली और नियाज के पास भी वेस्टेड इंटरेस्ट है, कौन सा, ये वाला वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक है, वेस्टेड इंटरेस्ट, तो ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन थी, हम इसको और इजी करके समझते हैं। ठीक है, तो ये इतने तक आपको क्लियर हो गया, अगर कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया वेस्टेड पोजीशन, वेस्टेड इन पोजीशन क्या है, वेस्टेड इन इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखें, जब भी प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर होती है, एक मिनट, जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है ए से बी तक, फॉर एग्जांपल ए ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी बी को, तो बी के पास क्या आ गया, वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए मिस्टर बी को प्रॉपर्टी देता है, पर टाइम स्पेसिफाई नहीं करता कि ये कब इफेक्ट में आएगी, कब इफेक्ट में आएगी। तो इधर ये समझा जाएगा कि अगर टाइम मेंशन नहीं है तो इमीडिएटली ए से मिस्टर बी तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। ये आपकी सेक्शन नंबर 19 में जो बातें की गई हैं वो लिखी हुई है मैंने। दूसरी इसमें ये बात हो रही थी कि स्पेसिफाई टाइम, अगर मिस्टर ए ने टाइम स्पेसिफाई कर दिया कि मैं 1 मंथ के बाद आपको पोजीशन दूंगा, मींस कि यहाँ पर टाइम स्पेसिफाई हो गया, तो 1 माह के बाद मिस्टर बी को जो है वो प्रॉपर्टी मिलेगी, या मिस्टर ए जो है इंटाइटलमेंट मिस्टर बी को दे देंगे। तीसरी कंडीशन ये है, हैपनिंग ऑफ इवेंट, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 31 याद है तो उसमें लिखा गया है कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी चीजें डीलिंग होती है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट से, उसमें होता है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ये वहां पर कंडीशन आई की जाती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन नंबर 21 में भी कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिजेंट ट्रांसफर या कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट से मुतल्लिक बात की गई है। ठीक है, बट आप ये सोच रहे होंगे वेस्टेड इंटरेस्ट में हैपनिंग ऑफ इवेंट की अगर बात आ रही है, मींस कि ये कंडीशन आ रही है, तो ये जो कंडीशन है ये कॉन्टिजेंट में आ जाती है, ये यहां पर क्यों दी हुई है, ये तो वेस्टेड होगा ही नहीं। तो सिंपली मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हैपनिंग ऑफ इवेंट यहां पर जो है ऐसे इवेंट जो पॉसिबल इवेंट हो जो हो सके, या सर्टेन इवेंट कहें आप, सर्टेन इवेंट, और जो हम कंटिजेंट इंटरेस्ट में पढ़ेंगे वहां पर इम्पॉसिबल इवेंट की कंडीशन होती है जो होने ही नहीं होते, यहां पर जो भी इवेंट होंगे वो पॉसिबल इवेंट होंगे, इसकी होना एनी आओ है, मींस के 100% ये इवेंट होंगे, कब ये पता नहीं है बट होंगे 100%। इसका मैं सिंपल आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपको जो है समझ आ जाएगा।
के मिस्टर अली है वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है वली को फॉर लाइफ के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑन द सेम टाइम अली एक कंडीशन और भी रख देता है कि वली के बाद ये प्रॉपर्टी अब्बास को जाएगी। तो इस एग्जांपल में, ठीक है, हैपनिंग ऑफ इवेंट क्या है, वली की डेथ। वली की डेथ होगी तो ही अब्बास को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी। तो ये यहाँ पर जो इवेंट है वो पॉसिबल इवेंट है, सर्टेन इवेंट है। एनी हाउ वली की डेथ होनी है, कब होनी है ये पता नहीं, बट होनी है। हर इंसान को दुनिया से एक ना एक दिन जाना है, वो सबको पता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इस तरह की अगर कोई भी कंडीशन अली रख देता है, मींस के हैपनिंग ऑफ इवेंट, मींस के जब ये इवेंट होगा उसके बाद ये प्रॉपर्टी जाकर अब्बास को ट्रांसफर होगी। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 19 में ये जो मेन चीजें थी जो डिफाइन की गई थी, ठीक है। तो अगर आपका इवेंट हुआ तब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर अब्बास के साथ क्या क्या चीज जा रही है, कौन सा इंटरेस्ट जा रहा है, वेस्टेड इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है। अब्बास आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो वेस्टेड इंटरेस्ट मिल रहा है अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन नंबर 19। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जिससे ये पॉइंट आपकी क्लियर हो जाए, जो मैंने यहां पर लिखी हुई है ये भी आपकी बुक की ही पॉइंट है जो मैंने यहां पर लिखी हुई है। तो इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आपके एक्ट में लिखी हुई है ये है, एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि मिस्टर अली एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है मिस्टर वली को, ठीक है, या मिस्टर वली को देता है। तो यहां पर एक कंडीशन अली लगा देता है कि ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं वो मैं एक 1 ईयर के बाद करूंगा, 1 ईयर के बाद करूंगा। तो वली उस चीज पर, उस बात पर एग्री हो जाता है, बोलता है ठीक है। बट आगे चलकर 6 माह के बाद, 6 मंथ के बाद वली की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इस ट्रांसफर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वली के जो भी लीगल हेयर्स होंगे उनको ये एंटाइटलमेंट, उनको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ठीक है। मींस के ट्रांसफरी के मरने के बाद जो भी प्रॉपर्टी होगी वो उसके लीगल हेयर्स को मिलेगी, ठीक है। उसकी मरने का कोई भी इफेक्ट उस प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये था एक कॉन्सेप्ट जो आपके सेक्शन में दिया गया है। एक और भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बट उस एग्जांपल देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 6 हमने पढ़ा था स्पेस सेक्शनिस, तो स्पेस सेक्शनिस यहां पर एप्लीकेबल नहीं होता। मींस के जब तक घर के बड़े जिंदा हैं उसके बाद जाने के बाद जो भी आपको प्रॉपर्टी मिलती है वो वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता, वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वो उसकी विरासत की जाती है, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज एप्लीकेबल हो सकती है, ये आप अपने ज़हन में रखना कि फादर मरने से पहले एक एग्रीमेंट करता है, एक डीड बनाता है कि मेरे मरने के बाद ये जो मेरी प्रॉपर्टी है इसमें से इतना हिस्सा मेरे बच्चों को जाएगा और इतना हिस्सा मेरी बेटी को जाएगा। तो अगर वो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करता है अपने लीगल हेयर्स के बीच में, तो उसको हम कहेंगे ये जो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है ट्रांसफरी के लिए, या उसके जो लीगल हेयर्स हैं उनके पास जो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू लॉ एक एग्रीमेंट के तहत डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है, ठीक है। ये चीज आप ज़हन में रखना, स्पेस सक्सेशन यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जिससे ये पॉइंट्स आपकी क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल ये एक फ्लैट है, अभी ये फ्लैट बने नहीं हैं, इनकी अभी जो है कंस्ट्रक्शन चल रही है,
तो इन फ्लैट्स की जो बुकिंग ऑफिस होगी वहां पर अली साहब जाता है कि मुझे एक फ्लैट जो है क्या करना है, बुक करना है, फ्लैट की बुकिंग करवानी है। तो ये फ्लैट में जो भी बंदे ऑफिस में बैठे होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, हम आपके आपका जो फ्लैट है बुक कर देते हैं और आपको पोजीशन हम एक साल के बाद देंगे। पोजीशन कब देंगे? वन ईयर के बाद पोजीशन मिलेगी। तो अली साहब कहते हैं ठीक है, मुझे एग्री है, आप मेरे नाम जो है ये फ्लैट बुक कर दें और जो भी इंस्टॉलमेंट है वो मैं आपको देता रहूंगा। तो ये दोनों एग्री हो जाते हैं इस बात के ऊपर। तो कंडीशन यहाँ पर ये है कि आपको फ्लैट एक ईयर वन ईयर के बाद मिलेगा जब तक हमारे फ्लैट बन जाए। तो यहाँ पर मिस्टर अली के पास कौन सा इंटरेस्ट होगा? मिस्टर अली के पास वेस्टेड इंटरेस्ट है। आप अभी ये सोच रहे होंगे कि अली के पास वेस्टेड इंटरेस्ट कैसे, अली को तो पोजीशन मिली नहीं है, अली के पास राइट ऑफ एंजॉयमेंट है ही नहीं, तो हम कैसे कहेंगे इसको ये वेस्टेड इंटरेस्ट मिला। सेक्शन नंबर 19 के एक्सप्लेनेशन में अगर हम जाएं तो वहां पर लिखा हुआ है एंजॉयमेंट दियर होप पोस्टपोन। ठीक है, मींस के अगर आपको वेस्टेड इंटरेस्ट मिल गया है बट उस ही वक्त आपकी आपका जो राइट ऑफ एंजॉयमेंट है, राइट ऑफ एंजॉयमेंट या राइट ऑफ पोजीशन है वो पोस्टपोन्ड है, मींस कि एट द टाइम आपको नहीं मिला, वो आपको बाद में जाकर मिलेगा। तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि आपका जो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है वो कंडीशनल हो रहा है, वो एब्सोल्यूट या वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 19 आपका यहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है कैसे, अभी देखें भाई। मिस्टर अली को दो माह के बाद, तीन माह के बाद पैसों की जरूरत पड़ जाती है, वो सोच रहा है कि मेरा भी जो फ्लैट यहाँ पर बुक है वो मैं बेच दूं। तो अली साहब क्या करता है, उस फ्लैट जो बुक करवाता है उसकी फाइल जाकर किसको दे देता है, वली को दे देता है। भाई ये मेरा फ्लैट है, अभी आप जो है मेरा फ्लैट ये खरीदें, मुझे जो है ना अभी नीड नहीं है, मुझे पैसों की जरूरत है। तो वली साहब कहता है ठीक है मैं आपसे ले लेता हूँ। तो अली साहब जाएगा बुकिंग ऑफिस में और कहेगा कि जो फाइल आपने मेरे नाम पर या जो बुक जो फ्लैट आपने मेरे नाम पर बुक किया है वो अली साहब के नाम पर कर दे। तो यहाँ पर राइट ऑफ सेल है ना अली के पास, सिर्फ एंजॉयमेंट का नहीं है, पोजीशन का नहीं है, क्योंकि वो फ्लैट अभी बिल्ट हो रहे हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है वेस्टेड इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट है तभी तो अली साहब वली को जो है अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर एट द टाइम आपका राइट ऑफ पोजीशन, राइट ऑफ एंजॉयमेंट पोस्टपोन हो जाता है तो उससे आपके वेस्टेड इंटरेस्ट को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम ऑलरेडी एक एग्जांपल डिस्कस किया था कि बी के बाद सी को, सी के बाद डी को, मींस के एक प्रॉपर्टी है ए ट्रांसफर करता है बी को फॉर लाइफ, बी से सी को, सी को डी से, तो जब बी मरेगा तो ही जाकर सी को मिलेगी, सी मरेगा तो डी को जाकर मिलेगी। मींस के वो इन वेस्टेड इन पोजीशन जिसके पास है उसके पास भी वेस्टेड इंटरेस्ट है, और जिनके पास वेस्टेड इंटरेस्ट है उसके पास भी वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ठीक है, एक एग्जांपल आपका ये है। दूसरी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में ये है, पेरियर प्रायर इंटरेस्ट इज गिविन टू सम अदर पर्सन प्रायर इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल ए अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बी को फॉर लाइफ, बी से सी, सी से डी, ये सब जो भी ट्रांसफर हो रही है फॉर लाइफ हो रही है। ये कौन कर रहा है? ए। ए कह रहा है कि भाई बी को प्रॉपर्टी जाएगी बी के बाद सी को, सी के बाद डी को। तो यहाँ पर प्रायर इंटरेस्ट बी को दिया गया। अब ये सी और ये डी ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास वेस्टेड इंटरेस्ट है ही नहीं, इन लोगों के पास भी क्या है? वेस्टेड इंटरेस्ट है, बट पोजीशन फिलहाल ये इंजॉय कर रहा है, इसके जाने के बाद इनको ट्रांसफर हो जाएगी राइट ऑफ पोजीशन। इन तीनों के बाद वेस्टेड इंटरेस्ट है, आप ये नहीं कहेंगे प्रायर इंटरेस्ट इसके पास है तो वेस्टेड इंटरेस्ट भी इसके पास है, ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है डायरेक्शन फॉर अक्यूमुलेशन, मींस के मिस्टर ए प्रॉपर्टी मिस्टर बी को ट्रांसफर तो करना चाहता है या मिस्टर सी को, जी से हम एग्जाम्पल ले लें,
मिस्टर ए अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बी को फॉर लाइफ, बी से सी को, सी से डी को, और यहाँ पर एक कंडीशन ऐड कर देता है उनकी सिचुएशन को देखकर जो हमने सेक्शन नंबर 17 में डिस्कस की थी, डायरेक्शन फॉर एक्युमुलेशन दे देता है कि भाई आप जो भी इस प्रॉपर्टी में से इनकम आएगी उसको कलेक्ट करें। तो आप ये नहीं कहेंगे हमें जो है उसकी इनकम तो मिल ही नहीं रही, वो तो एक जगह पर कलेक्शन हो रही है, डायरेक्शन ऑफ एक्युमुलेशन दिया गया है। तो आप ये नहीं कहेंगे डायरेक्शन ऑफ एक्युमुलेशन है इसकी वजह से हमारा जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो हो ही नहीं पा रहा। तो इस कंडीशन के ऊपर भी आपका वेस्टेड इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लास्ट कंडीशन है हैपनिंग ऑफ पार्टिकुलर इवेंट। आपने कंडीशन रख दी कि भाई ये इवेंट होगा, मीन्स के बी की डेथ होगी, उसके बाद जाकर हमें प्रॉपर्टी मिले। अब पता नहीं है कब ये मरेगा, बी की पता नहीं कब डेथ होगी। तो आप ये सोच कर कहेंगे हमारे पास प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट ही नहीं है, अभी ये 10 साल के बाद इसकी डेथ हो, 20 साल के बाद हो, जब तक हम इंतजार करें, नहीं, ऐसी किस्म की कोई भी चीज नहीं होगी। आपके पास वेस्टेड इंटरेस्ट होगा सिर्फ राइट ऑफ पोजिशन और राइट ऑफ एंजॉयमेंट नहीं होगा, वो आपको कब मिलेंगे, जब इवेंट होगा उसके बाद मिलेंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन में सेक्शन नंबर 19 में बताया गया था। ठीक है, ये था आपका सेक्शन नंबर 19, और एक और सेक्शन हम डिस्कस करते हैं, सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 20 सिंपल है, बहुत सिंपल। हमने ऑलरेडी सेक्शन नंबर 13 में डिस्कस किया था अनबोर्न पर्सन को प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होती है। तो सेक्शन नंबर 20 ये डिफाइन करता है कि अनबोर्न पर्सन को जो प्रॉपर्टी की इंटाइटलमेंट है कब मिलेगी। ठीक है, तो सिंपल इसमें ये कहा गया है कि जब भी अनबोर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है, या वो पर्सन जो एग्जिस्ट नहीं करता उसके लिए ट्रांसफर की जाती है, तो जब उस अनबोर्न पर्सन की बर्थ होगी उस ही वक्त उस अनबोर्न पर्सन के नाम प्रॉपर्टी की इंटाइटलमेंट हो जाएगी। बट वो अनबोर्न पर्सन जब पैदा होता है उस ही वक्त उसको इंजॉय नहीं कर सकता। ठीक है, रीजन ये है कि वो छोटा बच्चा है, वो प्रॉपर्टी को कैसे इंजॉय करेगा। तो जब तक वो एक पार्टिकुलर एज मीन्स के 18 ईयर का नहीं हो जाता, तब तक वो जो है प्रॉपर्टी को इंजॉय नहीं कर सकता। जब वो 18 ईयर का हो जाएगा तो वो उस प्रॉपर्टी को इंजॉय भी करेगा, क्योंकि वो उसका राइट है। ठीक है, तो ये सिंपली बात कर रहा था सेक्शन नंबर 12। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।